31 मई को रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, जैसा कि आईएम सेचिनोव मेडिकल यूनिवर्सिटी मॉस्को को कहा था कि आप एबीफाविर जो के फेविपिरावीर के बेस्ट है मेडिसिन, इसको मास प्रोडक्शन शुरू कीजिए। और उन्होंने इंडिया को भी कहा था कि आप इसके ट्रायल को स्टार्ट कीजिए अपने देश में और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आप शुरू कीजिए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से कंपनी ने इसको बनाया है, ये ड्रग जो है कैसे काम करता है इंडिया का, ठीक है, कितने प्राइस में ये अवेलेबल होगा और कितना इफेक्टिव है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ये आता है क्वेश्चन में कि किस कंपनी ने इस ड्रग को जो इंडिया में बनाया है, तो जो मुंबई बेस्ड ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया की, उन्होंने इस मेडिसिन को बनाया है जो कि फेविपिरावीर के बेस्ड है। फेविपिरावीर को, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जापान की जो एक कंपनी है फ्यूजी फिल्म, जिन्होंने फार्माक्यूटिकल कंपनी है, जिन्होंने इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए फेविपिरावीर को बनाया था, जिसको लोकल नेम में एविगान भी बोलते हैं। रशिया ने इंडिया को भी कहा था कि आप भी इस मेडिसिन को बनाया, मास प्रोडक्शन शुरू करें। तो इंडिया में भी इसके ट्रायल शुरू हो गए थे, और अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि ग्लेनमार्क जो कंपनी है, उन्होंने फेविपिरावीर के बेस्ट पे एक मेडिसिन बनाया है जिसको उन्होंने नाम दिया है फेवी फ्लू, ठीक है। दिल्ली बेस्ड जो हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इस मेडिसिन को अप्रूव कर दिया है। ये मेडिसिन जो है कैसे काम करता है बात करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है वायरस के रेप्लिकेशन को रोकता है, वायरस हमारे अंदर जाता है तो वो रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेशन मीन्स आप समझ जाइए कि वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ एंड मेनी मोर्स, वो इंक्रीज होते रहते हैं। तो उसका रेप्लिकेशन को है जो ये मेडिसिन ब्लॉक कर देता है, वो नंबर को इंक्रीज होने नहीं देता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस वायरस से इजिली लड़ सकता है और उसको आराम से मार सकता है। तो इसके बेसिस पे ये जो है मेडिसिन को बनाया गया है। फिर बात करते हैं ये मेडिसिन का जो प्राइस है, तो प्राइस क्या होने वाला है मेडिसिन का। तो जो प्राइस है मेडिसिन का, वो एक जो टैबलेट होगा उसकी जो प्राइस होगी वो 103 रुपए के करीब होगी, और एक जो स्ट्रिप आती है पूरे इसकी मेडिसिन की, एक स्ट्रिप आती है उसमें लगभग 34 टैबलेट्स होते हैं, उसका जो प्राइस होने वाला है वो 3500 में 3500 के करीब होगा। बात करते हैं इसके इफेक्टिवनेस, कितना ज़्यादा ये इफेक्टिव है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो रशियन ने इस फेविपिरावीर के बेस्ट फेविपिरावीर को ट्राई किया है, 80% लोग इससे रिकवर हुए जिनका सिम्टम्स माइल्ड से मॉडरेट था। अब मैं बताता हूँ कि ये दवा देने के बाद होता क्या है। तो ये दवा देने के बाद रिकवरी रेट जो है वो बढ़ा है, लेकिन रिकवरी जो टाइम है वो घट गया। कि जैसे दो कोरोना वायरस के पेशेंट है, एक को मैंने ये मेडिसिन दिया, वो जो है उसका रिकवरी जो टाइम है वो घट गया। मतलब अगर वो 14 दिन में अगर ठीक होता था तो उसका टाइम जो घट के वो 5 से 6 दिन हो गया, वो 5 से 6 दिन में ठीक हो गया। 60% लोगों का केस में ऐसा हुआ है कि वो 5 से 6 दिन में ठीक हो गए। जो बचे हुए 40% लोग हैं वो उनका 14 दिन की जगह 10 दिन लगा है, ठीक है। तो ये जो है रिकवरी रेट बढ़ गया, लेकिन जो रिकवरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है इस मेडिसिन के देने के बाद। तो अब बात करते हैं मास प्रोडक्शन की। तो ग्लेनमार्क कंपनी ने जो कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो 82,000 जो इसके टैबलेट्स है वो आने वाले मंथ में बनाएगी, और वो ट्राई करेगी कि जितने ज़्यादा हो सके इसको इंक्रीज करे और पूरा ऑल ओवर इंडिया इसको प्रोवाइड कर सके। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।